नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे उत्पना एकादशी के बारे में। यह एकादशी मार्ग शीघ्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे उत्पना एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रहने वाले व्यक्ति को किसी भी पापी, दुराचारी, चोर, पाखंडी से बात नहीं करनी चाहिए। कथा। सतयुग में मुर नामक एक असुर रहता था, जो बहुत बलवान और देखने में भयानक लगता था। मुर असुर के कारण देवराज इंद्र के साथ सभी देवताओं को पराजित होना पड़ा। तभी कुछ समय बाद उत्पना एकादशी के दिन श्री विष्णु ने मुर असुर का वध कर दिया। तब से उत्पना एकादशी मनाई जाती है तथा उत्पना एकादशी के दिन भगवान विष्णु से एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का ज्यादा महत्व है। पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करें और अपने नित्य क्रिया से निर्वृत होकर अर्थात स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें व विष्णु जी का ध्यान करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीढ़े पर पीले कपड़े को बिछाकर स्थापित करें एवं फूल अर्पित करें और धूप दिखाकर मिठाई, फल व दूध से बने प्रसाद से तुलसी के पत्ते रखकर भोग अर्पित करें तथा इस एकादशी की रात को एक दीप घर के अंदर और एक दीप घर के बाहर तुलसी के पौधे के पास जलाएं तथा इस दिन परिवार के साथ श्री विष्णु और सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र पाठ का भी ध्यान करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।